गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और किस एनर्जी में है आज सुबह आपके पर्सन। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोड़ी एक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स हैं सिक्स ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। और साइन की बात करें तो यहाँ पर फायर साइन है, मेष सिंह धनु एरीज लियो सेजिटेरियस। अर्थ साइन है मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 6 नंबर, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर दो बार आया है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये नंबर लकी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में रुपया, पैसा, धन दौलत आता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में प्यार भी आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि पैसा और प्यार दोनों ही इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिल सकते हैं। सो इस नंबर पर, इस डेट पर, इस मंथ पर नज़र बनाए रखें। अब कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात। आज सुबह आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो यहाँ पर पहली चीज़ देख रहे हैं ना, हमारे पास सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड आया है और ये कार्ड विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। और अगर आपका रिश्ता टूट गया है आपके पर्सन के साथ में, तो यहाँ पर ये कार्ड ये संकेत दे रहा है कि आपका पर्सन इस रिश्ते को जोड़ सकता है 6 मंथ के अंदर, 6 डेज के अंदर, 6 वीक्स के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रियूनियन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर ना, ये जो पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, इसी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को इस रिश्ते में फिर से रियूनाइट होना है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आपकी शादी होते होते कैंसिल हो गई है, तो शादी होती हुई नज़र आ रही है, फिक्स होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये पर्सन खुद आपको लेकर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को भी बहुत जल्दी है शादी करने की, ऐसा लग रहा है। तो ये पर्सन काफ़ी उतावले नज़र आ रहे हैं शादी करने के लिए, आपको प्रपोज़ करने के लिए, या फिर कुछ लोग या पार्टनर्स उन्हें इंगेजमेंट के लिए भी प्रपोज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी हमारे पास आया है और ये कार्ड भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन ने सारी चीज़ों को बैलेंस किया है। और यहाँ पर दिल और दिमाग के बीच में ये पर्सन बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और गिविंग एनर्जी में भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं। सुबह का वक्त है, ये पर्सन गिविंग एनर्जी में है, यानी कि काफ़ी इस पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी है और ये पॉजिटिविटी आपको लेकर है, यानी कि आप इस पर्सन को पॉजिटिविटी दे रहे हैं और ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को जो कुछ भी दिया है अब तक, ये पर्सन आपको वही सब कुछ रिटर्न देने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त ऐसी हैं कि इस पर्सन से अगर आप कुछ भी मांगेंगे तो ये पर्सन आपको दे सकते हैं। अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आप इस पर्सन से अपनी हर वो बात मनवा सकते हैं जो ये पर्सन मानना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच सुलह होती हुई नज़र आ रही है। किसी बात को लेकर अगर आर्ग्यूमेंट था, तो वो आर्ग्यूमेंट भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में और भी ज़्यादा ना इस तरह से सोचने लगा है कि आप इस पर्सन की अगर खुशी हैं, तो इस खुशी को बनाए रखने के लिए आपके होठों पर स्माइल रहना भी ज़रूरी है। और ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि आपका, आपके पार्टनर के साथ में एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, या फिर अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपके होठों पर स्माइल देखना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी प्यार भरी फीलिंग्स इस वक्त महसूस कर रहे हैं। आपको लेकर इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं, वो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के कार्ड में आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको ये पर्सन हर वो खुशी देना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हैं। और इस पर्सन को ये एहसास भी है कि अगर आप इस पर्सन की खुशियों की परवाह करते हैं, तो इस पर्सन को भी आपकी खुशियों की परवाह करनी है। तो अब ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर इस पर्सन को आपकी काफ़ी फिक्र होने लगी है, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में बढ़ती जा रही हैं। अब ये पर्सन आपके कोई भी हो, किसी भी रिश्ते से आपके साथ में जुड़े हुए हों, ये पर्सन आपकी खुशी चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी इमोशनल भी नज़र आ रहा है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी
सीरियस है। और अगर आपको ऐसा लगता था पास्ट में कि ये पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं है, इस रिश्ते को निभाने के लिए सीरियस नहीं है, तो ये पर्सन काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स और प्यार नज़र आ रहा है आप इस कार्ड में देख भी सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड फीलिंग्स को बताता है, प्यार को बताता है कि एक इंसान है जो अपने दिल में आपके लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स रखता है, प्यार रखता है, भले ही इस पर्सन ने शो की हो या नहीं की हो, बट हाँ इस पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू है, जेन्युइन है, जैसे कि ये प्यार आपके लिए ही है इस पर्सन के दिल में ऐसा लग रहा है, और इस पर्सन के दिल में आपके सिवा कोई और नहीं है ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना इस पर्सन ने पास्ट में भले ही कितनी भी गलतियाँ की हों, किस तरह का भी रिश्ता आपका इनके साथ में रहा हो, कुछ भी अनबन अगर आपकी रही हो, बट अब ये रिश्ता ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सही है। इस वक्त प्रेजेंट में आप दोनों साथ में हो सकते हैं, पास्ट में जो भी कड़वी यादें थी उन्हें भुलाकर ये पर्सन जीवन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की ज़िंदगी में जो भी दुख है ना, अब ये इस दुख को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, इस दुख को ख़त्म करके आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ धार्मिक का कार्ड है। और देख भी सकते हैं आप यहाँ पर कि ये पर्सन पास्ट के जो भी इस पर्सन को एक्सपीरियंस मिले हैं, पास्ट से एक्सपीरियंसिस के बिना पर इस पर्सन ने जो कुछ भी सीखा है ना, तो ये अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये पर्सन इस दुख से निकल कर एक हंसी खुशी लाइफ बिताने के बारे में सोच रहे हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और करियर को अपने एक ऐसे मकाम पर ले जाने की सोच रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़े। तो इस एनर्जी में ही आज सुबह ये पर्सन नज़र आ रहा है आपके लिए। इस पर्सन के दिल में प्यार है, फीलिंग्स हैं, ये पर्सन शो करेंगे आपको, और यहाँ पर आप दोनों एक साथ हैं ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ना आपका, इस वक्त भी आप दोनों साथ में हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि दूरियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। और अगर जिन लोगों के बीच ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी बहुत जल्द दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपका पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ कर पा रहा है और इस रिश्ते में कुछ एफर्ट्स डालने की सोच रहा है, क्योंकि गिविंग एनर्जी में ये पर्सन आ चुका है। प्यार जैसे कि इस पर्सन के दिल में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आपके लिए ना, कि अब ये इन इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को छुपा भी नहीं पाएंगे, और ये चीज़ें आप नोटिस भी कर पाएंगे अपने पर्सन में कि आपका पर्सन और भी ज़्यादा आपकी केयर करने लगा है, प्यार जताने लगा है, आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करने लगा है, क्योंकि ये पर्सन आज सुबह इसी एनर्जी में है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है, कितनी क्लैरिटी आपको इस रीडिंग से मिली है, ये भी कॉमेंट करके आपको बताना है। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, इसलिए सभी के साथ में रेजोनेट करें ये पॉसिबल नहीं है, इस बात का आपको खासतौर से ख्याल रखना है। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।